हेलो फ्रेंड्स, हमारा इस ये साल ख़त्म होने जा रहा है। 2 घंटा में 1 घंटा में हमारा साल ख़त्म हो जाएगा, तो इस साल को विदा कहने के साथ साथ मैं आपको कुछ अच्छा खासा जानकारी मैं इसी साल में देना चाहता हूँ आपको। तो मेरा झारखंड पुलिस को लेके एक बात मेरा सुनिएगा कि झारखंड पुलिस का मैं आपको 4 पेज में बताऊँगा। सबसे पहले के बात, रनिंग का क्या सिस्टम है, मेडिकल का क्या सिस्टम है, और एक कमेंट किया था किताब के बारे में, किताब के बारे में बताऊँगा। आपका 3 और 4 चीज़ के बारे में मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा, तो आप लोग सुनिएगा। जो अपना डाउट है, अब सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे फास्ट हम लोग आते हैं आपका रनिंग के ऊपर। तो रनिंग का देखिए, है रनिंग तो सबसे पहले बात, जो नौसिखिया है, जो प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया है और वो चाहता है कि मैं झारखंड पुलिस में दौड़ूँ, तो उनको उनके पास समय है अभी। आराम से अगर आप लोग 3 महीना भी दौड़ते हैं ना, आप लोग अपना रनिंग बना लीजिएगा। जो नौसिखिया है, जो आज तक मैदान देखा नहीं है, उसके लिए भी ये पॉसिबल है। कोई मतलब जो आज तक दौड़ा ही नहीं है, उसके लिए भी मतलब अभी समय इतना है कि आप लोग वो कर सकते हैं। दूसरा बात कि धीरे धीरे इंप्रूव कैसे करें। सबसे पहला बात कि अगर आपको देखिए, ऐसा नहीं है कि दिन भर दौड़ना है, क्योंकि 10 किलोमीटर रनिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर दौड़ना पड़ेगा। बात यह है कि आप लोग धीरे धीरे एक शेड्यूल लीजिए, या सुबह को दौड़िए या शाम को दौड़िए, मैदान में आराम से कभी स्टार्ट कीजिए 2 चक्कर, कितना भी हो ना दोस्तों। ऐसा बात नहीं है कि दो दो चक्कर नहीं ना, 1 चक्कर, आधा चक्कर भी तो आपसे होगा ना। आधा चक्कर आज कीजिए, आधा परसों कीजिए। आप जब तक इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा ना, तब तक लगभग लगभग आप आधा मतलब 3, 4, 5 चक्कर तो मिनिमम कर ही दीजिएगा। और 5 चक्कर अगर आप कोई भी मैदान देख लीजिएगा, 5 चक्कर लगभग लगभग आपका 2 किलोमीटर हो जाता है, समझ रहे हैं? 2 किलोमीटर रनिंग अपना लिए, फिर आपका 1 महीना बचेगा एग्जाम मतलब फॉर्म ख़त्म होने तक। फिर अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो फिर आप तो लगभग 4-5 किलोमीटर तो बना लिए। उसके बाद 3-4 महीने बाद ये पॉसिबल है। नौसिखिया बच्चे के लिए भी पॉसिबल है झारखंड पुलिस को क्रैक करना। उसके ये हो गया रनिंग के बाद। और ऐसा और जो जो एक्चुअल में जो दौड़ते हैं, और जी जो चाहते हैं कि मेरा प्रैक्टिस अच्छा खासा है, तो वो अभी नहीं, आप हल्का फुल्का दौड़ते रहिए, मन करेगा तो। नहीं तो फिर जिसके पास पेशेंस है, क्वालिटी है, वो तो 1 महीने में भी कर लेगा, क्योंकि 3 टाइम दौड़ेगा तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ा बात नहीं है। इस टाइप से आपको रनिंग को धीरे धीरे मॉड्यूल लेते हुए चलना है। मैं शुरू से नौसिखिया बच्चे को लेके मैं चल रहा हूँ कि जो कभी नहीं दौड़ा है वो भी कर सकता है, उसका द्वारा भी पॉसिबल है इस एग्जाम को क्रैक करना। पहले रनिंग में हो गया आपका, फिर आप मेडिकल में गए, मेडिकल के बाद ये हुआ। तो सबसे पहला बात मैं बता दे रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट का तो आपका अपना अपना फॉर्म बटा हुआ है, ठीक है? रांची का अलग है, आपका सरेकला खरसों का, इधर आपका गिरिडीह का, सबसे ज़्यादा पोस्ट इस बार गिरिडीह में, धर्मा में बहुत ज़्यादा पोस्ट है। तो अगर ये चीज़ सब ये तो सबको सोच रहा है कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी है, लेकिन अगर आप लोग नोटिफिकेशन को ठीक से देखते हैं, तो इसमें रेलवे पुलिस का भी वैकेंसी आया हुआ है, मतलब झारखंड रेलवे पुलिस। तो जिन्हें भी रेलवे पुलिस में मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में सीट कम है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप भरिएगा तो खैर तो आपके ऊपर है, अगर भरिएगा तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको अप्लाई एक ही जगह से करना है, आप वहाँ से कीजिए, वहाँ से कहीं से भी कीजिए, लेकिन आपको एक ही जगह से अप्लाई करना है। ये रहा झारखंड का ये सिस्टम है। तो अगर आपको अप्लाई एक ही जगह से करना है, और दूसरा है मतलब एक मतलब राष्ट्रीय बोल रहा हूँ, राजकीय पुलिस जो होता है, जब आपका रेलवे स्टेशन का होता है, जो RPF लोग होता है, उस टाइप से वैकेंसी भी झारखंड पुलिस में आया हुआ है, तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं। एक आपका जो पूर्वी सिंहभूम साइड है, पूर्वी सिंहभूम साइड आपका उस जगह का ही नाम है, लेकिन जगह का नाम तो मुझे अभी ध्यान में आ नहीं रहा है, लेकिन रेलवे पुलिस का भी वैकेंसी आया हुआ है उसी में, झारखंड पुलिस के साथ साथ उसी का आया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रेलवे पुलिस में करें, तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं, आप उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो रेलवे पुलिस को आप लोग डाल सकते हैं। रेलवे पुलिस में यह है कि रेलवे पुलिस का काम मोटा मोटी ये है कि आपको बस रेल में रहना है। अगर मान के चलिए, कभी कभी ऐसा होता है रेलवे में कि जो लड़की अकेली होती है, तो उसको छेड़खानी होता है, तो उसको ये सब हल्का फुल्का मोटा तगड़ा ये सब काम है। और एक जो जिला पुलिस का जो आया हुआ है, जो जिसे हम लोग जिला पुलिस कहें या झारखंड पुलिस कह सकते हैं, ये सब 2 वैकेंसी है, तो आप लोग इसको गौर कीजिएगा। और जिल जो आपका आपका रेलवे पुलिस का जो है, उसमें थोड़ा हमको जहाँ तक लगता है, मेरा अनुमानित है, उसमें कटअप कम जाएगा, क्योंकि मान के चलिए किसी का खूंटी डिस्ट्रिक्ट का, रांची डिस्ट्रिक्ट का तो सीट कम है, और वो अगर डाल रहा है कि आपका रेलवे पुलिस में, तो और हर कोई चाहता है कि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट में रहूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट में काम करूँ, हर कोई का सपना है, हर कोई ये चीज़ चाहता है, लेकिन हर कोई चाहता है लेकिन ये मैं अपना डिस्ट्रिक्ट में रहूँ और अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना काम करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, हर कोई कभी कभी नहीं कर पाता ये चीज़। तो इस वजह से आप लोग मतलब अगर चाहते हैं कि हम रेलवे पुलिस में काम करें, तो आप रेलवे में भी डाल सकते हैं, आपके पास इसका भी आपको मतलब आप वहाँ डाल के अपना ट्राई कर सकते हैं।
ये रहा मैं वैकेंसी को लेके, रनिंग को लेके, ये सब सब चीज़ क्लियर हो गया। अब मेडिकल के बारे में तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है कि झारखंड पुलिस में उतना, जिला पुलिस में उतना हैवी मेडिकल नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको कुछ में, अगर आपका फ्लैटफुट है, अगर आपका नौकनी है, तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है ये सब। जैसे कि नौकनी का जिसका दोनों घुटना सड़ जा रहा है, तो उसको उस टाइप से एक्सरसाइज रेगुलर करना होगा, तो फिर वो आपका ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ है उसका। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि किताब को लेके, तो किताब को लेके मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग SSC GT की तो तैयारी कर ही रहे होंगे। SSC GT की तैयारी जिसमें एशियाड वाइज कटअप जाता है, SSC GT में एशियाड वाइज कटअप जाता है, तो सेम उसी का सिलेबस है। आप रीजनिंग भी वही किताब से पढ़िए, मैथ भी वही किताब से पढ़िए, और GK GS वही किताब से पढ़िए, क्योंकि इससे झारखंड GK के तो कब बात ही नहीं कहा गया इसमें। और खैर, बाद में अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ये तीनों जो सिलेबस है ना, सिलेबस तो रहेगा ही, लेकिन झारखंड GK ऐड हो जाएगा बाद में। लेकिन आपको अभी से तैयारी उसी चीज़ को लेकर चलना है। कल 1 तारीख है, कल आप लग जाइए पूरा आराम से। इसके बाद तो कल से लेके 50 दिन बचेगा आपका SSC GT में। वो चीज़ है SSC GT का एग्जाम को लेके, तो उसका तो 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो फिर अपना 20 फरवरी में आपको फॉर्म भराना खत्म होगा, तब तक आप एग्जाम दे, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो भी SSC GT का बंदे SSC GT का एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। सेम SSC GT का, अगर आप चाहते हैं किताब को लेके, तो SSC GT का जितना भी किताब है उसको ले लीजिए, उसको ही ले लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको किताब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सब 2016 में ये सब सिस्टम तो था नहीं, उस समय ऑफलाइन एग्जाम था आपको, तो कि फिर भी सर क्वेश्चन मिलेगा नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, SSC GT से बहुत लो लेवल क्वेश्चन रहेगा इसका, झारखंड पुलिस का। आप इस बात को याद रखिए, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा SSC GT का किताब को ले लीजिए। अगर आप GK पढ़ना चाहते हैं तो GK, अगर पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट से अपना GK कवर कर दीजिए। और मैथ के लिए मैं क्या ही किताब बताऊँ, और आपका रीजनिंग के लिए क्या ही किताब बताऊँ। और मैथ और रीजनिंग के लिए पहले आप थोड़ा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ले सकते हैं, SSC GT का, या फिर SSC GT का ले लीजिए, सफिशियंट है, वही चीज़ है। या फिर रोजगार विद अंकित में जो जितना भी SSC GT का किताब है ना, RWA का, उसका आप ले लीजिए, उसका जो कॉम्बो पैक मिलता है उससे भी ले सकते हैं। लेकिन देखिएगा, 10 नवंबर को कॉम्बो पैक में उसका, 10 नवंबर बोल रहा हूँ, हर महीने के 10 तारीख को उसका ऑफर आता है, तो आप उससे भी ले सकते हैं, और उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में देखिएगा, उनका किताब होता है, और उनका किताब को पढ़ते हैं तो फिर आपका झारखंड GK 100% क्लियर है, उसमें नो डाउट नो संकेत। आपको SSC GT का ही किताब लेना है बस, और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से मेरा तो मानना वही है, क्योंकि सिलेबस वही आना है और दूसरा कुछ आना नहीं है। आप एक बार सिलेबस देख लीजिए कि SSC GT का सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस क्या है। जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, और उस पर आप लोग देख के अपना तैयारी में लग जाइए, तो फिर आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, और बहुत अच्छे से आप बहुत जल्दी आप लोग नौकरी ले लीजिए, क्योंकि बहुत बाद ये वैकेंसी आया है। अभी बात को याद रखिए, और अपना तैयारी में लग जाइए ठीक ठाक से, बढ़िया से, तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और रनिंग का सब तो मैंने बात बता ही दी आप सबको, और कुछ अगर डाउट रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको उस सॉल्यूशन को मैं सॉल्व कर दूंगा। जो कुछ भी डाउट रहे मुझे, बस आप एक कमेंट कीजिएगा, मैं देखिएगा कि आपका जितना भी डाउट है सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैंने आपका वैकेंसी को लेके बता दिया, रेलवे पुलिस जो है उसका भी बता दिया, रेलवे पुलिस वैकेंसी ये हुआ, उसके बाद क्या बचा है, रेलवे पुलिस वैकेंसी, और रहा आपका ये वो रनिंग मेडिकल, ये सब तो हो ही गया। और कुछ अगर आप लोग कुछ लगता है कि कुछ मुझसे छूट गया हो, तो आप लोग उस चीज़ को मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नीचे में उसका सोल्यूशन दे दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा वही चीज़ को लेके आएगा। तो आप इस चीज़ बात को ध्यान रखिए, और अपना तैयारी में लग जाइए, और आप सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, और न्यू ईयर में एक अच्छा उमंग के साथ, जोश के साथ अपना तैयारी में लग जाइए। बाय बाय दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको।